बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फ़हमीनाज़ किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन नूडल्स कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और स्पेशली ये स्नैक्स के तौर पर यूज़ की जाती है। हमारे घर में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मैंने चार मैगी के पैकेट लिए हैं, स्मॉल वाले। ये चिकन नूडल्स हैं, इसमें चार अंडे जाएंगे, थोड़ा सा चिकन बोनलेस, और ये है हरी मिर्च, एक से डेढ़ मिर्च है। इसको मैंने बीज के बगैर इसको काट लिया। हाफ टी स्पून इसमें चाहिए होगा चाइनीज सॉल्ट, और हाफ वन टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली है, और ये मैगी के साथ होते हैं ये वो वाले हैं। सबसे पहले हम मैगी को बॉईल करेंगे और साथ में चिकन को बॉईल कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें अब एक चुटकी नमक डालूंगी। तकरीबन वन टीस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। अब इसको जरा बॉयलर रख देंगे। मिर्ची अच्छे से बॉयल आ गए, अब मैं इसमें मैगी डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें वो जो चिकन के क्यूब्स हैं वो भी डाल दूंगी। इनको अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। पाँच मिनट बाकी है। ये देखिए इसको बॉईल आ रही है। इसको मैंने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, मैं तकरीबन एक मिनट इसको इस तरह से उबलने दूंगी। ये हमने सॉफ्ट नहीं करनी मैगी जो है, उसको सॉफ्ट नहीं करना। देखिए कैसे निकली सी है। चिकन को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये दोबारा से ये फ्राई होगा। बस अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें मैं तकरीबन हाफ टी स्पून पानी डालूंगी, टेस्ट मेकर डालूंगी, काली मिर्च, चाइनीज सॉल्ट यानी अजीनोमोटो, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पानी मैंने इसलिए डाला ताकि जो मसाले हैं ये लम्स ना बने और ये बड़े अच्छे से मिक्स हो जाए। इतने से पानी डालने में ना कोई उसको रेसिपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फोर्क की मदद से। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। मिक्स हो गया। अब इसमें बॉयल मैगी और जो चिकन है वो डाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें चम्मच की मदद से इस तरह से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे ही हम चम्मच के साथ डालेंगे। एक साइड से हो गए, इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको टर्न करेंगे। आँच जो है मैंने वो मीडियम रखी हुई है, इसको एक साइड से हमने ब्राउन कर लिया, अब दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप यकीन करिए बहुत ही मज़े का स्नैक्स है। देखिए ये गोल्डन हो गए, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और सेम इसी प्रोसेस के साथ हम बाकी कबाब भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया और इस तरह बास्केट में मैं इसको सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।